नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आदिश में। दोस्तों की वो में एक ज़बरदस्त न्यूज है दोस्तों, जो स्पेशल अकाउंट, बहुत से लोगों को दोस्तों पता नहीं होगा कि स्पेशल अकाउंट क्या थे। दोस्तों स्पेशल अकाउंट में एजुकेशन अकाउंट और हायर एजुकेशन अकाउंट और कंपनी एसी अकाउंट, दोस्तों यह कंपनी एसी अकाउंट पेंशन अकाउंट था और एजुकेशन अकाउंट यह बच्चों के लिए था और हायर एजुकेशन जो लोग ऊंची शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं उनके लिए यह था। दोस्तों यह अकाउंट अक्टूबर 2022 तक चला, यह अक्टूबर लास्ट में 2022 में यह क्लोज हो गया था। तो दोस्तों जो लोग स्पेशल अकाउंट लिए थे उन लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज है। दोस्तों उन लोगों का जो 1.66% है वह रिलीज हो गया है, उसे वह 12 से डिवाइड करके BCT में ले जाकर अपनी क्वाइन को सेल कर सकते हैं। दोस्तों यह बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज है कि उनका 1.66% रिलीज हो गया है। दोस्तों जो स्पेशल अकाउंट हैं, जिन लोगों का केवल स्पेशल अकाउंट है उन लोगों के लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त है कि वो अपने KYC कंप्लीट करेंगे और अपना जो BCT में अपने जो क्वाइन है उसको 12 से डिवाइड करके कर सकते हैं। बट दोस्तों CMD सर से मेरा यह रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों का सेविंग अकाउंट भी है और जिन लोग उनका ही स्पेशल अकाउंट है, उन लोगों के लिए वहाँ पर एक प्रॉब्लम आ रही है कि उनकी KYC कंप्लीट नहीं हो पा रही है, क्योंकि एक बार जिस ID में आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक डिटेल लग जा रहा है, फिर उसी के दूसरे अकाउंट में वह नहीं एक्सेप्ट कर रहा है सॉफ्टवेयर, तो वहाँ पर उन्हें अपनी KYC कंप्लीट करने में बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है। वह अपने ही अकाउंट की KYC कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका सेविंग अकाउंट भी है और स्पेशल अकाउंट भी है, तो वे लोग अपने सेविंग अकाउंट की तो KYC कंप्लीट कर लिए हैं बट स्पेशल अकाउंट की KYC कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वह आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक डिटेल, मोबाइल नंबर, ईमेल ID ऑलरेडी एग्जिस्ट बताता है, तो वे लोग बहुत परेशान हैं। तो इस बात पर CMD सर को ध्यान देना चाहिए कि जो लोगों का डबल अकाउंट है, एक स्पेशल अकाउंट है और जो उनका सेविंग अकाउंट है, तो दोनों में उनका KYC कंप्लीट हो, तभी वो अपनी क्वाइन को यूज कर पाएंगे। तो और जिन लोगों का नहीं सेविंग अकाउंट है, केवल स्पेशल अकाउंट है, तो उन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है KYC करने में। जिन लोगों का केवल सेविंग अकाउंट है उनको भी प्रॉब्लम नहीं है KYC करने में, बट जिन लोगों का डबल है सेविंग अकाउंट और एजुकेशन अकाउंट, उन लोगों को KYC करने में प्रॉब्लम आ रही है, वे लोग अपनी KYC कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। तो कंपनी को इस बारे में ध्यान देना चाहिए कि वहाँ पर उनका KYC कैसे कंप्लीट हो। तो दोस्तों यह बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज है कि जो स्पेशल अकाउंट होल्डर हैं उन लोगों का 1.66% रिलीज होगा। और दोस्तों अब आगे बहुत सी चीज़ें बदल रही हैं, जैसा कि के एक्सचेंज में भी ज़बरदस्त एक्टिविटी कल हो रही थी, फिर कुछ देर के लिए के एक्सचेंज क्लोज था, अब के एक्सचेंज ओपन हो रहा है और वहाँ पर ट्रेड जब हम लगाते हैं तो वहाँ पर ऑप्शन आ रहा है कि यह कमिंग सून, अन्य बहुत जल्दी इस पर ट्रेडिंग शुरू होने वाली है। तो दोस्तों यह भी अच्छी खबर है कि जल्दी के एक्सचेंज में ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी
और दोस्तों इसके जो दो प्रोजेक्ट चल रहे हैं माई नीड और OTT दोनों ही काफ़ी अच्छा चल रहे हैं, ज़बरदस्त चल रहे हैं। जो OTT है दोस्तों उसके लिए तो अब समय बहुत कम है, क्योंकि दोस्तों यह 31 मार्च को क्लोज हो जाएगा। तो दोस्तों जो लोग अपनी अभी OTT की ID जिनकी रेड है उसे वह ग्रीन करा सकते हैं, और जो लोगों का लास्ट में मार्च या अप्रैल महीने में सेविंग अकाउंट में आए थे, जिनके पास एक ID लगाए हैं या उनके पास 3,000 या 4,000 क्वाइन है, उन लोगों के लिए तो OTT बहुत ही ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है। क्योंकि जो लोग सेविंग अकाउंट में लास्ट में आए हैं उनके पास जो क्वाइन है उसका 0.25% रिलीज होता है, तो साल में उनको 7.5 या 8 क्वाइन रिलीज होगी। बट जो लोग OTT किए हैं तो OTT की उनकी 100 दिन के बाद 3.5 क्वाइन सेलेबल के रूप में रिलीज हो रही है। तो दोस्तों या हर महीने 3.5 क्वाइन रिलीज होगी, इस तरह से साल में 42 यानी 42 क्वाइन रिलीज होती है। लेकिन अगर जो सेविंग अकाउंट होल्डर हैं और उनके पास उनकी सिंगल ID लगी है 3,500 क्वाइन है, या 10-20 ID उन्होंने लगाई है 4,000-5,000 क्वाइन है, तो उन लोगों की क्वाइन बहुत कम रिलीज होती है। इसलिए वो लोग अगर OTT लेते हैं तो उनको ज़्यादा विकल्प हो जाते हैं और उनके पास क्वाइन जो सेलेबल है अधिक मात्रा में रिलीज होती है, तो उनको BCT में ट्रांसफ़र करके बेचने में आसानी होगी क्योंकि दोस्तों जो क्वाइन सेलेबल में रिलीज होती है वह 12 से डिवाइड होके ही BCT में जाती है और वहाँ पर सेल होती है। तो दोस्तों यह एक जो माइनिड है वह भी तेज़ी से चल रहा है। माइनिड बिल्कुल फ्री है, उसमें आपको कोई इन्वेस्ट की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर आपको केवल रजिस्ट्रेशन करना है और आपकी आईडी एक्टिव हो जाएगी, और जैसे ही ऐप आएगा आप उस ऐप का यूज करके आप इनकम करेंगे। तो दोस्तों माइनिड में आपको फ्री में टीम बनाने के लिए 31 मई तक का समय है, और आप इस समय का उपयोग कीजिए और अधिक से अधिक टीम बनाकर रेडी रहिए, ताकि जैसे ही ऐप आए आप अच्छी खासी इनकम करें। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय की भो, जय माइनेट।